हेलो गाइस, आज एक लेसन करेंगे हम बिल्कुल बिगिनिंग से। मैं आपको तीन चार चीज़ें बताऊंगा, शिफ्टिंग, स्ट्रमिंग, उसके साथ गाएं कैसे। ठीक है, ये बिल्कुल फर्स्ट लेसन या बिगिनिंग टाइप का लेसन है, और अगर आपको ये आता है उन लोगों को जो मूव कर चुके आगे, तो आप अपनी प्रैक्टिस करो। इस वीडियो पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाले लेसन में से है। तो बड़े सारे लोग बोल रहे थे कि शिफ्टिंग कैसे करें हम, हमें शिफ्टिंग नहीं आती। अभी हम सिंपल कॉर्ड्स या ओपन कॉर्ड्स की शिफ्टिंग कर रहे हैं। सपोज गाइज आपने शुरू किया, मैं तीन चार चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा शायद वीडियो लंबा हो तो आप ध्यान से सीखना। पहले मैं आपको बताता हूँ शिफ्टिंग कैसे करनी है आपने। ठीक है, सपोज आप ई माइनर और डी इसकी शिफ्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, ई माइनर ये टू स्ट्रिंग कॉर्ड वाला, ठीक है, और ये डी मेजर, इसकी आप शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो आप नंबर वाइज लेके उसको शिफ्ट करें। ठीक है, एक पैटर्न में, एक डिसिप्लिन में। जैसे आपने हिट किया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, जैसे ही फोर आ रहा है ना, आपको हिट करना उसको उस कॉर्ड पे जाके। ठीक है, अभी तो मैं जैसे कर रहा हूँ 1 2 3 4, 4 पे पूरा ला रहा हूँ। तो अभी आप इस टाइप से लेते होंगे, बड़े सारे लोग ऐसे ऐसे इस टाइप से। ठीक है, करना यही है, आप ऐसे ही ले जाए, ऐसे लगा के ऐसे। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, लेकिन हिट आपने 4 पे ही करना है। ठीक है, उससे पहले ही आप ये चीज़ शेप पूरी लगा लेना, शेप लगाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको प्रेशर आएगा कि 4th पे मेरे को हिट करना है, तभी आप अच्छी तरह वो परफॉर्म करोगे। उससे आपको डिसिप्लिन भी आएगा कि मेरे को 4 पे ही हिट करना है। ठीक है, और चाहे तो टाइम ले, आप थोड़ा सा बढ़ा लेना, कि जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, सी मेजर। ठीक है, जिस जिस की भी आप करते हैं, जैसे भी आप करते हैं, ई माइनर और डी पे ही करें, 1 2 3। और अगर नहीं भी आती, जैसे म्यूटेड साउंड आ रहा है या नहीं लग रही, तो भी आपने 4 पे हिट करना ही करना उसको। ठीक है, इससे आपको डिसिप्लिन और वो टाइम समझ आएगा कि कैसे करना, और एक पॉइंट पे आपको आ ही जाएगी वो। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जैसे जैसे आते जाएगी, सपोज ऐसे ऐसे आपको आते जा रही है, टाइम आप घटाते जाना, तेज तेज करते जाना आराम से। ठीक है, तो वो गाइस जो कह रहे थे कि हमारी स्ट्रिंग म्यूटेड हो जाती है या हमारी अच्छी तरह साउंड नहीं आ पाती, तो हमेशा हमने गाइस ये करना होता है कि शुरू में बड़ी मुश्किल आती है। जैसे शुरू में जैसे आपको 3 घंटे लगेंगे ना किसी चीज़ को, 2 महीने बाद आपको उसी में 2 घंटे लगेंगे, 4 महीने बाद उसी में 1 घंटा लगेगा, और उसके बाद आपको आधा घंटा या 10 मिनट लगा करेंगे उस चीज़ को। तो शुरू वाला टाइम थोड़ा ऐसे ही है फ्रस्ट्रेटिंग, उसमें आप फ्रस्ट्रेट नहीं होना, टेंशन नहीं लेना कोई भी। ठीक है, बस उस तरफ अपना दिमाग मतलब जाने ही नहीं देना कि क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, बस आप करते जाना। ठीक है, म्यूटेड हो रही है, हमने ट्रिक यही है इसकी कि उंगलियाँ हमने हमेशा अपनी खड़ी करके रखनी होती हैं। जैसे सपोज ऐसे, इनको ऐसे नहीं रखना है, जैसे अगर डी कॉर्ड आप लगा रहे हैं तो ऐसे नहीं लगाने, पक्का म्यूटेड टाइप की साउंड आएगी आएगी, वो टच होगी किसी ना किसी के साथ। उंगली हमेशा ऐसे रखनी है, इस टाइप से। ठीक है, ए माइनर लगा रहे हैं, ऐसे करके रखनी है। ठीक है, ऐसे इस टाइप से, ऐसे इनको इनको लिटाना नहीं है, इस टाइप से स्टैंडिंग पोजीशन में। अगर वो चुभ रही है तो चुभने दो, कुछ नहीं होता, 2 हफ्ते से ज़्यादा दर्द नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद आपका हाथ खुद ही उस प्रेशर को समझ जाएगा कि कितनी फोर्स के साथ मुझे लगाना है, और थोड़ी स्टार्टिंग में फोर्स के साथ लगाना। ठीक है, ऐसे ढीली मत लगाना, उससे भी आवाज़ नहीं आती है, तो ऐसे करके लगाना। और वो गाइस जो लड़कियां बोल रही थी कि शिफ्टिंग के लिए और वो सब के लिए, तो आप सबसे पहले ये ध्यान देना कि इस हाथ के नेल्स नहीं होने चाहिए आपके बिल्कुल भी। ठीक है, इस हाथ के हों कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट हैंड के, लेकिन लेफ्ट के नहीं होने चाहिए बिल्कुल। और आप भी ऐसे मतलब इनको इस टाइप से रखने की कोशिश करना, अगर दर्द होगी तो वो ज़्यादा देर नहीं होगी, 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, जैसे स्ट्रम उसकी शिफ्टिंग की आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ऐसे आप लगाते हैं तो लगाने दें, नहीं अगर लग रहा तो भी नहीं। ठीक है, इसको मारने ही मारना आपने 4th पे, कुछ नहीं होता, उससे आपको बड़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये आई शिफ्टिंग की गाइस। ठीक है, देन जैसे आप कोई भी कॉर्ड लगा रहे हैं, डी मेजर आप लगा रहे हैं, या मैं डी मेजर लगाई। ठीक है, तो यहीं पे इसको छोड़ना नहीं है कि डी लगा दी बस मूव करें,
इसको आगे पीछे लेने की मूव करें, ठीक है, अप एंड डाउन, यहाँ ले गए यहाँ वापिस, ठीक है। इससे आपको बड़ी सारी चीज़ें, जैसे आप स्टार्टिंग में लोगे आपकी उंगलियाँ पूरी मतलब क्या पता जाए ही नहीं, या शेप ही पूरी हो जाए आपकी नहीं आए, ठीक है, उंगलियाँ हट जाएँ आपकी, तो इससे आपकी इस पर बड़ी ज़्यादा ग्रिप आएगी। जब भी आप ऐसे पकड़ोगे आपकी तीनों उंगलियाँ इस टाइप से आएंगी, ठीक है। हमें हमेशा ऐसे ही लगानी है, इस टाइप से नहीं लगानी कभी भी, कि यहाँ से आ रहे हैं तो इस टाइप से, यहाँ से आ रहे हैं तो तीनों इस टाइप से ही लगानी है। इसको आगे पीछे लगेंगे यहाँ पे, ठीक है, हर एक कॉर्ड को, जैसे ए माइनर लगाई, हर एक को लेके गए, ठीक है, हर एक चीज़ को ऐसे आपकी ग्रिपिंग सही आएगी कॉर्ड पे। बेसिक में जितना आप ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, हर एक कॉर्ड पे। वो गए जो बार की तरफ मूव कर चुके हैं। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, बार पे आप मूव कर चुके हैं तो बार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है गाइस, अप एंड डाउन मूव करना, ठीक है, जैसे ठीक है, आपको करना ही करना है ये अप एंड डाउन हर एक चीज में, क्योंकि ये एफ मेजर है, यही जी मेजर है। तो अगर आपने अप एंड डाउन आपने सही प्रैक्टिस की होगी इसकी, तो आपको बड़ा फायदा रहेगा। जैसे ए माइनर, जैसे ये हम ए माइनर लगाते हैं एफ एंड जी, ये बार वाला ए माइनर, ठीक है, फिफ्थ पे जो लगता है, यहीं से जी पे आते हैं हम, यहीं से एफ पे आते हैं, ये जी, ये एफ और ये, तो बार में तो पूरा मूविंग का ही मतलब पूरी मूवी करते हैं हमारी फिंगर्स, ज़्यादा उसमें कुछ रहता भी नहीं है। ये अगर ए माइनर है तो बीच वाली फिंगर लगा दी है जी है, ये एफ है, तो मूव जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि जब आप बोलते हो कि नहीं आ रही, तो मैं आपको बोलता हूँ कि अप एंड डाउन मूव करो, उसका मतलब ये कि शेप्स को जितनी आप जहाँ तक लेना चाहते हो वहाँ तक, ठीक है, ऐसे लेके जाओ हमेशा आगे। इससे आपकी शेप्स पूरी परफेक्ट हो जाएंगी, शेप्स परफेक्ट होंगी तो ही वो स्ट्रमिंग और उसका करने का मजा आएगा, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। पहले आपको शिफ्टिंग, अगर आप दो कॉर्ड्स कर रहे हैं नहीं जाए आगे तब तक जब तक प्रॉपर पूरी ऐसे नहीं आ जाए आपको, ठीक है, ऐसे टाइम देना, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना कभी भी, उस साइड दिमाग जाने ही मत देना, कभी भी मत जाने देना, ठीक है। तो ये रही इनकी बात, देन स्ट्रमिंग, सपोज गाइस, ठीक है, स्ट्रमिंग की बात करते हैं अब हम। आपने ये सीख ली कॉर्ड्स, ठीक है, दो आ गई आपको, पिक से हमेशा बजाने की कोशिश करना, क्योंकि पिक से बड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, बड़े सारे लोग नहीं बजाते होंगे, छोड़ देते होंगे, हाथ से बजाते होंगे इस टाइप से, ऐसे पिक छूट जाती होगी आपके हाथ से, बड़ी ऐसे गुस्सा आता होगा आपको कि नहीं पिक से नहीं बजाना, गंदी साउंड आ रही है, आगे पीछे वाले भी बोलते होंगे कि क्या शोर डाल रहा है इस टाइप से, ठीक है। तो वो इसीलिए कि गाइज यही ट्रिक है, पिक से जो बजाएगा उसी को सारी स्ट्रमिंग समझ आएगी। देन आप देखते होंगे उन लोगों को जो हाथ से ऐसे बजा रहे हैं, लेकिन उन्होंने शुरू में पिक से बजाया, तभी तो उनको वो सारे डाउन स्ट्रोक्स अप स्ट्रोक समझ आए हैं। अगर आप शुरू से ही हाथ से बजाओगे वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है, पिक से बजाओ। देखो इसको बड़ा लाइट, पहले तो आपकी पिक लाइट होनी चाहिए बड़ी, देखो ऐसे, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, ज़्यादा वो मोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पतली होनी चाहिए। देन जब आप इसको ला रहे हो ना यहाँ पे, तो ऐसे पकड़ के इस टाइप से ऐसे पकड़ के ऐसे लाना है इसको सीधा, देखो कितना गंदा साउंड कर रहा है, और ऐसे ऐसे लाना नहीं है इसको इस टाइप से। अगर आप इसको नीचे ला रहे हो तो ऐसे लाओ, ठीक है, टिल्ट करके थोड़ा सा ऐसे नीचे लाओ, अप कर रहे हो उसको भी ऐसे टिल्ट करके, ठीक है, ऐसे हल्के हल्के हाथों से, और पकड़ना भी हल्का, ये नहीं कि उसको ऐसे पकड़ना तो अच्छा साउंड नहीं आएगा। अगर छूट रहा है छूटने दो, वो इसीलिए कि अभी आपके हाथ ने और वो सब ने अभी उसको इतना अच्छा इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया, जब आपको आ जाएगा देन आपको बिल्कुल उसका पता चल जाएगा, बिल्कुल नहीं छूटेगी, ठीक है। नीचे जा रही है ऐसे ऐसे डाउन अप की प्रैक्टिस करो शुरू में, जैसे डाउन अप हल्के हल्के, बिल्कुल हल्के हल्के, उसको तेज करना ही नहीं है, इस टाइप से डाउन अप की प्रैक्टिस करो। देन आप कोई भी स्ट्रमिंग कर रहे हो, कोई भी, आप किसी का भी लेसन देखते हो, हर किसी का, देन आप देखा करो कि वो स्ट्रमिंग बजा रहे कैसे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ स्ट्रमिंग, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप, जैसे ये मैंने आपको स्ट्रमिंग बताई, तो बड़े सारे लोग शुरू में इसको ऐसे लेते होंगे, डाउन ठीक है, डाउन ऐसे लेते होंगे, तो
शुरू के हिसाब से ठीक है, ऐसे हम सीखते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है गाइस, ठीक है। हमें हमेशा धीरे स्ट्रमिंग लेनी है, तेज लेनी नहीं है, उसको तोड़ना नहीं है, ये डाउन ऐसे उसको हमें तोड़ना नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ बड़े ध्यान से, जैसे पहला डाउन अकेला इस टाइप से हल्के से हम करेंगे, दूसरा भी अकेला है, ठीक है, देन अप डाउन एक साथ है, इस टाइप से वो ऐसे नहीं है, ठीक है, अप अप डाउन डाउन डाउन, ठीक है। अब ध्यान से इसको देखना और इसी टाइप से आप इसको लेने की कोशिश करना, धीरे धीरे डाउन डाउन अप अप डाउन 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 डाउन, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि आपने उसके साथ गाना भी है, तेज मत करना, तोड़ना नहीं उसको, ऐसे 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 मत करना, ठीक है, हार्ड बिल्कुल धीरे धीरे आप पहले डाउन अप की अच्छी तरह से इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना उस पर, ठीक है। ज़्यादा कॉर्ड्स पे करने की जरूरत नहीं है कि मैं 4-5 कॉर्ड्स लगा लूँ, आप 2 ही लगाओ, अच्छे से लगाओ, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। ओपन कॉर्ड से हमें बड़ा कॉन्फिडेंस लेना होता गाइस, क्योंकि शुरू में हम ओपन पे ही सीखते हैं, देन आप जब बाहर पे चले जाओगे तब तो मतलब तब आप आगे निकल जाओगे बड़ा, तब सेट दिमाग जाता ही नहीं है छोड़ने वाली तरफ, ठीक है, उसमें कोई वाली वो नहीं है। यहाँ से आपको बस ये लेना है, कॉन्फिडेंस लेना है, अच्छी तरह स्ट्रमिंग करनी है, अच्छी तरह गाने करने हैं जितने भी आप करोगे, ताकि आपका छोड़ने का कभी मन नहीं करे, ठीक है। ये रही इसकी बात स्ट्रमिंग की, देन गाइस गाने की बात, ठीक है, कि गाना कैसे गाना है। गाना नहीं हो पाता है जब आप स्ट्रमिंग करते हैं, तो जैसे आप गाते हैं तो स्ट्रमिंग टूट जाती है, ठीक है। वो इसीलिए कि गाइस एक पार्ट आपके दिमाग का स्ट्रमिंग की तरफ अभी भी सोच रहा है, उसने उसको ग्रैप नहीं किया हुआ सही तरीके से। वो जब आप करते हैं डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन डाउन, तो वो डाउन स्ट्रोक्स हैं, आप स्ट्रोक्स को गिन रहे हैं या स्ट्रमिंग को गिन रहे हैं अभी भी, ठीक है। आपको इतनी पक्की करनी है ये, जैसे आप, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और पीछे वो चल रही है, आप गिन लो, ठीक है। आपको भी इतनी पक्की करनी है कि आप किसी के साथ बात भी कर सको करते करते, देन आप गाना गा सकते हो, ठीक है। इसके लिए यही है कि जैसे आप, जैसे पकड़ ली, कोई कॉर्ड्स नहीं लगाए, कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है, आप सिंपल इसको ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप, अपना हाथ चलने दो ऐसे, ठीक है, कुछ नहीं होता, टाइम लगाओ 15-20 मिनट, ठीक है, हर रोज करने से पहले, करो आप, ठीक है। जब आपको आ जाए अच्छे तरीके से बिल्कुल, देन आप इसके साथ अपनी हमिंग की प्रैक्टिस करना। कॉर्ड्स आपको पता है शिफ्ट हो रहे हैं मेरे, मैं पूरी तरह से कॉर्ड ले पा रहा हूँ इस पर, ठीक है, शिफ्टिंग भी मेरी हो रही है अच्छी तरह से, स्ट्रमिंग मेरी हो रही है, देन आप इसके साथ गाना गाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी गाना गाएं, कुछ भी करते हैं आप, तो ये पूरा उस पर होगा, क्योंकि वो इसीलिए नहीं हो पाता। जब भी मैं आपको बोलता हूँ स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस करो, आपको लगता होगा कि यार हम गाने के लिए पूछ रहे हैं कि मेरे को गाना नहीं गा पा रहा हूँ या गा पा रही हूँ, और ये बोल रहे हैं कि स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस करो। वो इसीलिए कि स्ट्रमिंग टूटती इसीलिए गए, जब मैं शुरू में करता था मैं भी ऐसे ही करता था, मैंने जो पहला गाना सीखा था वो पानी दा रंग था, उसमें स्ट्रमिंग थी डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन, तो मैं भी ऐसे ही करता था डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन, तो जैसे ही मैं गाना गाता था तो ये सब टूट जाता था। वो इसीलिए था कि मेरे को स्ट्रमिंग आती नहीं थी, मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की नहीं थी। तो अगर आप ऐसे कर सकते हो, वो इसीलिए कि स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आपको बोलूँगी स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस करो, तो आप समझ आना कि मेरी स्ट्रमिंग की अभी ज़रूरत है। जैसे आप कर लोगे ना अपने आप, आपका आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको गाना गाना आ भी गया उसके साथ, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इस बात का आप ध्यान रखना, ये याद रखना बात, आपको खुद समझ नहीं आएगी कब आपको गाना गाना आ गया। सबसे पहला रूल, आप एक कॉर्ड कर रहे हैं, दो कर रहे हैं, उसकी शिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताई। दूसरा ये चीज़, ठीक है, आराम से, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है, कोई वो नहीं है, ऐसे मत करना, ठीक है, आराम से प्यार से इसको करना, ठीक है, स्ट्रमिंग की आराम से, बिल्कुल हर एक कॉर्ड पे पूरी पूरी लेने की कोशिश करना,
देन नाउ गाना, ठीक है, गाना तीसरे नंबर पे। जब ये दोनों चीज़ें आराम से हो जाएंगी, हम भी करते रहो साथ में, कोई बात नहीं है। और कोई मुश्किल आएगी, अभी हम आगे स्केल्स भी करेंगे, मैं आपको मेजर और माइनर स्केल्स बताऊंगा, सारे लीड्स कैसे करते हैं, वो सब कैसे करते हैं, ठीक है। आप बस ये वीडियोस देखते रहो, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, अभी भी कुछ समझ नहीं आया आज भी, तो बड़ी चीज़ें होंगी, ठीक है, और भी होंगी जो मेरे को नहीं पता होंगी, आपको मुश्किल आ रही होगी उसमें, तो आप मुझे मैसेज करना फेसबुक पे, मेरे पेज पे, तो वहाँ हम बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पुराने वीडियोस भी देखें, नए वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।